स्वयं सहायता समूह की दीदी समूह सखी मुख्य कैडर होती हैं समूह में, तो इनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि समूह सखी के मानदेय को लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी चर्चा का विषय बनी हुई है। समूह सखी का मानदेय कि कौन सी समूह की दीदियों को, कौन सी समूह सखी को कितना मानदेय दिया जाएगा, क्योंकि सभी को एक जैसा मानदेय नहीं मिलने वाला है। 6,000 बताया जा रहा है मानदेय मिलेगा, लेकिन 6,000 मानदेय सभी दीदियों को नहीं मिलेगा। अब किन दीदियों को 6,000 मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, नियम क्या है, पूरी अपडेट बताएंगे वीडियो को, इसलिए पूरा देखिएगा जरूर। और चैनल पर न्यू आया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेगी, इसलिए जुड़े जरूर रहिएगा। बता देना चाहेंगे कि समूह सखी के मानदेय में बढ़ोतरी फाइनली हो चुकी है। कुछ समूह की दीदियों को मिलने वाले हैं 6,000 रुपये महीने के मानदेय। वो बहुत सारी प्रोसेस है जिसको होकर आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आपको 6,000 मिलेगा, अन्यथा सभी दीदियों को नहीं मिलने वाला है। चलिए पूरी प्रोसेस हम आपको बता देते हैं, क्या अपडेट आई हुई है, कैसे क्या है। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहेंगे कि समूह सखी के पास स्मार्टफोन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले क्या होता था कि दीदियां कम पढ़ी लिखी होती थी तो फिर भी उनका आवेदन कर देती थी तो उनका हो जाता था, लेकिन अब जो है दुनिया भर का ऐप आ गया है, अस्मिता ऐप, लोकोस ऐप, तो ऐप में दीदियों को डाउनलोड करके उसमें फीडिंग वगैरह करनी होती है, सारा कुछ करना होता है काम मोबाइल से ही। तो अगर वो पढ़ी लिखी नहीं रहेंगी, मोबाइल चलाना ही नहीं आएगा, तो समूह सखी बनकर करेंगी क्या। इस वजह से बहुत सारी दीदियां ऐसी हैं जो समूह सखी बन तो गई हैं, अभी भी बनी हुई हैं, लेकिन उन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता है। अब वो दूसरों से काम करवाती हैं, ढूंढती हैं कोई मिल जाए तो चलो हम काम करवा लें, बस पैसे के चक्कर में। देखिए जब दीदी आप नहीं कर पा रहे हैं तो उस काम को आप छोड़ दीजिए, या तो सीख लीजिए मोबाइल चलाना, या तो उस काम को छोड़ दीजिए, है ना, क्योंकि अब आपको मोबाइल चलाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और आपके पास मोबाइल होना भी बहुत ज़रूरी है। चलाना और होना दोनों आपको आना चाहिए, मोबाइल चलाना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी दीदियों के लिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ हम आपको बता देना चाहेंगे कि दीदियों को 3 महीने की परिवीक्षा अवधि के दौरान समूह सखी को मानदेय के रूप में 1,000 रुपये महीने का भुगतान किया जाएगा, यानी कि 3 महीने, मतलब कि 3 महीने में 1,000 रुपये उनको भुगतान किया जाएगा परिवीक्षा अवधि के दौरान। साथ ही साथ हम आप सभी दीदियों को बता देना चाहेंगे कि इनका मानदेय जो है समूह सखी को विभिन्न स्टेप में 800 रुपये से 1,200 रुपये दिए जाने का प्रावधान पहले रखा गया था। अब जो है क्या हो गया है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग्स आ गई हैं। समूह सखी को न्यूनतम मानदेय मानकों के अनुसार ग्राम संगठन के घटक तथा समस्त स्वयं सहायता समूह को प्रत्येक महीने में कम से कम एक बैठक करवाना और प्रत्येक महीने उसके बुक ऑफ रिकॉर्ड्स को कम से कम एक बार अपडेट करना प्राप्त करने पर ही आपको 2,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर बात यहाँ पर ये आई हुई है सामने कि आपको महीने में कम से कम एक बार अपने ग्राम संगठन की या स्वयं सहायता समूह की दीदियों की बैठक करवानी होगी। जो दीदियां समूह में अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही हैं उनको समझाना पड़ेगा उनके उसके बारे में, या फिर लिखा पढ़ी का काम नहीं कर पा रही हैं, रजिस्टर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और हो सके तो खुद भी करना पड़ सकता है, उनके उस रजिस्टर को मेंटेन करवाना पड़ सकता है। आपको ये सब कार्य करने के लिए आपको महीने के 2,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही साथ दीदी हम आपको बता देना चाहेंगे, और जो दीदी होनी चाहिए अब जो है संकुल स्त्री संगठन की दीदी कम से कम होनी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें 18 से 48 वर्ष आयु पहले रखी गई थी, अब 21 से 45 वर्ष की दीदी इसमें आवेदन कर सकती हैं आसानी से। और पहले दीदी की शैक्षिक योग्यता का कोई बहुत ज़्यादा प्रावधान नहीं रखा गया था, लेकिन अब न्यूनतम यानी कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए, अधिक से अधिक आप कितना भी पढ़ी हो, 8वीं पास है भी मोबाइल चलाना नहीं आता तो भी आप समूह सखी बनकर क्या करेंगी दीदी, कोई काम नहीं कर पाएंगी, इस वजह से समूह सखी ना बने। जिन दीदियों को मोबाइल चलाना नहीं आता, चलाना नहीं आता है, काम करना है तो सीखिए उसको अच्छे से, और क्योंकि आपको मोबाइल से ही सारा काम, आप डिजिटल ही लेन देन, डिजिटल ही हर काम होना है, इस वजह से मोबाइल चलाना आपको आना चाहिए। समूह सखी के बारे में और भी हम आपको बता देंगे कि समूह सखी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों या स्वयं सहायता समूह के बाहर भी जा कर के काम करना पड़ेगा। समूह सखी किसी घटक स्वयं सहायता समूह में क्रेडिट लिंकेज प्राप्त किसी एक स्वयं सहायता समूह की खाता लेखक भी हो सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया उनका बीके का काम भी वो उनको करना पड़ सकता है। और जैसे कि
पहले क्या होता था कि समूह सखी को इंसेंटिव समूह की ऋण दिलवाने या उक्त ऋण की वापसी पर कोई भी पैसा नहीं मिलता था, यानी कि कोई भी यदि समूह से उधार ली है, पैसा ली है, चुका नहीं पा रहे हैं, तो उसको चुकाने का मतलब कि उसको उनसे लेने का कार्य हो गया। उनसे जैसे समूह की दीदियां पैसा तो दे दी हैं अपने समूह की सदस्यों को, लेकिन वो पैसा नहीं वापस कर पा रही हैं, तो दिलवाने का काम भी समूह सखी करेगी। अब वो पैसा अगर दिलवा देती है तब भी उसको पैसा मिलेगा, अब सरकार पैसा देगी उसको, पहले प्रावधान नहीं था लेकिन अब ये नया नियम के अनुसार बदल चुका है। ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाली समूह की 10 सदस्यों को कम से कम 5,000 का ऋण और समूह से दिलवाने पर एक उक्त ऋण वापसी का समय से कम 6 महीने होने पर 500 रुपये दिया जाएगा। यानी कि कोई दीदी अगर 5,000 रुपये लेती हैं कम से कम और वो सही से समय से वापस कर देती हैं, 6 महीने होने पर वापस कर देती हैं या उससे कम समय पर वापस करती हैं, तो 500 रुपये उन समूह सखी को दिया जाएगा अगर वो समूह सखी वापस करवाती हैं समूह को तो। ठीक है, अब इसमें भी शर्तें हैं ना, आपको काम करना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा, फ्री में सरकार घर बैठे पैसा नहीं देने वाली है। समूह सखी को इनिशिएटिव स्वयं सहायता समूह में मासिक ऋण वापसी 75% होने पर दिया जाएगा। तो पहले इसमें नहीं दिया जाता था, लेकिन अब क्या होगा कि ग्राम संगठन के अंतर्गत आने वाली समूह की महिलाओं से स्वयं सहायता समूह में मासिक ऋण वापसी 75% होने पर 1,000 प्रतिमाह जिस महीने में वापसी हुई है उसमें 75% होना चाहिए। साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहेंगे इसके लिए आपको 1,000 रुपये दिया जाएगा। जैसे ऋण दिलवाती हैं समूह से या ऋण की वापसी करवाती हैं, दोनों स्थिति में आपको पैसा मिलेगा। ऋण दिलवाने पर 500 रुपये और वापस करवाने पर 1,000 रुपये दिया जाएगा। समूह सखी को इंसेंटिव स्वयं सहायता समूह में किसी भी स्वयं सहायता समूह को प्रथम बार CIF की राशि प्राप्त होने पर कुछ भी नहीं मिलता था। ग्राम संगठन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह में किसी भी समूह को प्रथम बार CIF राशि प्राप्त होने पर 1,000 रुपये प्रति समूह। जिन दीदियों को नहीं पता है, हम सभी को बता देना चाहेंगे कि समूह सखियों को बैठक कराने के लिए पैसा दिया जाता है, जो कि जैसे कि 4 या 6 या 7 समूह हैं तो उस पर 800 रुपये दिया जाएगा, और 7 से 10 समूह हैं या 8 से 10 समूह हैं तो 1,000 मिलेगा, और 10 से 12 समूह पर आपको 1,200 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के 1,200 मिलता है। और वैसे तो 4 समूह पे तो समूह सखी रखी ही नहीं जाती हैं, करीब 5 से 6 समूह होने चाहिए तब जाकर समूह सखी रखी जाती हैं ग्राम पंचायत में, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और एक ग्राम पंचायत में एक ही समूह सखी हो सकती हैं, अभी तक तो यही नियम है, आगे क्या नियम आएंगे वो तो आपको पता चलता रहेगा। और साथ ही साथ हम आप सभी दीदी को बता देना चाहेंगे कि कुछ इस तरीके से आपको 6,000 मानदेय मिल सकता है, लेकिन आप इस तरीके का कार्य करती हैं तो ही मिलेगा मानदेय। जो दीदियाँ करेंगी, मेहनत करेंगी, वो सफल होंगी, वो पैसा 6,000 पाएंगी, नहीं करेंगी तो वही 1,200, 2,000, 3,000, 4,000 अटकी रहेंगी या 600, 800 ही अटकी रहेंगी, इससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाएंगी। इस वजह से जो दीदियाँ कार्य करेंगी वही पाएंगी, बाकी दीदियां नहीं पाएंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी आप सभी को स्मार्टफोन नहीं है तो स्मार्टफोन ले लीजिए, बहुत दीदियां ऐसी हैं जिनके पास अभी तक स्मार्टफोन नहीं है। समूह सखी की बात कर रहे हैं, आप समूह के अध्यक्ष हैं, आपके पास नहीं है तो चलेगा, लेकिन समूह सखी हैं तो आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, लोकोस ऐप डाउनलोड होना चाहिए, ये सभी ऐप्स आपके मोबाइल में होना चाहिए। होने से क्या होता है, आपको चलाने भी आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। यही थी छोटी सी जानकारी, इस तरीके से आपको मिलेगा 6,000 मानदेय। वीडियो को शेयर करें और चैनल नया सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ 8वीं पास दीदी ही अब इसमें बन सकती है या 10वीं पास, इससे कम नहीं होनी चाहिए। बाकी इस वीडियो को शेयर करें, चैनल नया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं वीडियो में, निचन करके साथ।